छिंदवाड़ा आगामी त्योहारों को देखते हुए पुलिस द्वारा शहर का भ्रमण किया गया और यातायात व्यवस्था सुचारू बनाने के लिए कई जगह चालानी कार्रवाई की गई। बिना हेलमेट और सीट बेल्ट ना लगाने वालों को यातायात पुलिस द्वारा कई बार समझाइश दी गई, लेकिन फिर भी यह देखने को मिल रहा है कि लोग बिना हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं लगा रहे। ऐसे ही कुछ पुलिस वालों को यातायात विभाग द्वारा चालानी कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। इंदिरा तिराहा जेल गेट के सामने और सत्कार चौक पर पुलिस के चालान काटे गए, जहां डीएसपी सुरेश सिंह द्वारा समझाइश दी गई कि वह अपनी जान को जोखिम में न डालते हुए हेलमेट जरूर लगाए। कि अब दीपावली का पर्व आने वाला है तो त्योहारी बाजार के व्यवस्था के मद्देनजर आज पूरे बाजार क्षेत्र मतलब आपका बुधवारी और गोलगंज छापाखाना इन क्षेत्रों का भ्रमण करके जो व्यवस्था यातायात व्यवस्था लगाई जानी है सुचारू यातायात के लिए उसका निरीक्षण आज किया गया है। इसी तरह फवारा चौक और जेल तिराहा और सत्कार तिराहा यहाँ पर यातायात सुरक्षा के मद्देनज़र वाहन चेकिंग की जा रही है। आज हमारा टारगेट इस चीज़ को रखना है कि बेहतर सुरक्षित यातायात के लिए व्यक्ति स्वयं कितने प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों को बातचीत करके और समझाइश दी जा रही है। देखिए, हम पिछले 10-12 दिनों से इस कार्रवाई को लगातार कर रहे हैं और ऐसे पुलिस अधिकारी कर्मचारी जो कि दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट धारण नहीं करते हैं और खुद को असुरक्षित स्थिति में रखते हैं, ऐसे अधिकारी कर्मचारियों का चालान किया जा रहा है। अभी तक 3 चालान किए गए हैं, एक फवारा चौक में, एक आपका इंदिरा तिराहे पे और एक सत्कार तिराहे पे, जिसे भी अभी हमारा जवान लेके आ रहा है। मेरा आपके माध्यम से सभी यूनिफॉर्म फोर्स से निवेदन है कि हेलमेट अनिवार्यता है दोपहिया वाहन चलाते समय, इसलिए सुरक्षा से खिलवाड़ ना करें या अनदेखी ना करें। चाहे वो जितनी भी दूर जाते हैं, हेलमेट आवश्यक रूप से पहने। सड़क पर चलने के दौरान ये एकमात्र सुरक्षा उपकरण है जो हमारे साथ रहता है और हमें दुर्घटना होने पे हमारी जान माल की रक्षा करता है। BCN न्यूज़ के लिए छिंदवाड़ा से चंद्रशेखर शुक्रवार की रिपोर्ट।